हिसाब से उसने क्या एक चीज ख्याल किया है कि चाइना से जो कुछ दिन पहले जो रैपिड टेस्टिंग का जो किट आया था वो ज्यादा से ज्यादा किट जो था 96% ऑलमोस्ट जो किट्स है वो फॉल्टी निकला है। जी हाँ, उन किट्स का कोई मतलब ठीक ठाक रिजल्ट नहीं दे रहा है, कोई पॉजिटिव को नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव को पॉजिटिव बोल रहा है। तो गाइस ये तो अब कोई बच्चों वाली काम तो नहीं रहा है, अभी तक वर्ल्ड का कंडीशन बहुत ही बुरा है और चाइना ये सब क्या कर रहा है। तो गाइस एक और बात, इससे पहले आप सब तो ये तो न्यूज पर दिखा हुआ, लेकिन एक और बात, चाइना को कैसे पता चला कि हम सबको इंडिया को स्पेशली रैपिड टेस्टिंग किट की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी इसी वक्त। किसी भी कंट्री में क्या हो रहा है आप सब जानते ही है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया कि चाइना का जो इंटरनेट सिस्टम है वो कैसे पूरी दुनिया से अलग है, क्योंकि वहां का जो एक अलग एक फायरवॉल सिस्टम है, डिफरेंट फायरवॉल सिस्टम है जिसके बाहर कोई भी चाइनीज पर्सन, चाइना के रहने वाला कोई बाहर का ऐप जो है उसको यूज नहीं कर पाएगा। बाहर का जो वेबसाइट है गूगल अमेजन यूज नहीं कर पाएगा, और गूगल वगैरह जो है गूगल फेसबुक ऐसे बहुत सारे देशों के बहुत सारे जो वेबसाइट्स है ये सब चाइना के अंदर नहीं काम करेगा। तो गाइस वैसे ही चाइना ने क्या किया है कि अपने देश के अंदर चीप इलेक्ट्रॉनिक्स का एक तो हब है चाइना, और उसके ऊपर क्या कर रहा है लोगों का डेटा जो है उसको चोरी कर रहा है। कैसे कर रहा है जो तो आप देखिए, मैं आपको हमें बहुत सारे कुछ ऐप बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिस्ट भी दे दूंगा, आप जरूर जाके चेक कीजिएगा। क्योंकि देखिए इस सारे जो ऐप्स है इन सब ऐप्स के बदौलत बहुत सारा डेटा है हमारे देश से निकल जा रहा है। जो लोग पैरामिलिट्री फोर्स में काम करते हैं या फिर जो बड़े बड़े नेता वेता होते हैं, जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो होते हैं, उन सबको एक बात बहुत सख्ती से बोला जाता है कि वो सब चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं और स्पेशली चाइनीज फोन्स एंड चाइनीज एप्स बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। जी हाँ, अगर आपको का कोई खानदान में कोई ऐसा कोई पैरामिलिट्री फोर्स या फिर आर्मी में काम करता है तो फिर गाइस आप सबको उनसे थोड़ा सुन लीजिएगा कि उन सबको बोला जाता है। क्योंकि देखिए चाइना का जो जो ऐप्स वगैरह जो होते हैं, जो टिकटॉक, यूसी ब्राउजर ऐसे बहुत सारे हैं, एमआई स्टोर ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनको जिनके ऊपर आरोप है कि ये सब अपने चाइना गवर्नमेंट को अपना जो डेटा है, यूजर्स का जो डेटा है वो डेटा को सेल करता है। तो गाइस एक बहुत ही बुरी बात है, और मानो या ना मानो जो ये जो रैपिड टेस्टिंग का जो किट आया है ये हमारे इंडिया के सोशल मीडिया जो एप्स हैं जिनके मतलब जो चाइनीज जो एप्स है सोशल मीडिया का उन सब के बदौलत चाइनीज सरकार के पास पहुंचा है, चाइनीज गवर्नमेंट के पास, उसके बाद ही हमारे इंडिया पे आया है। और एक बात मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, एक चीज और ख्याल कीजिएगा कि पूरी दुनिया में जो गेमिंग के लिए गेम्स हम सब खेलते हैं, गेमिंग के लिए सब एक नंबर कंट्री कौन सा है जो मोबाइल फोन में ज्यादा से ज्यादा गेम खेलते हैं, मोबाइल गेमिंग फोन, तो देखिए ये तो बस इंडिया ही है। क्योंकि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति जो है पीसी वगैरह टैबलेट वगैरह यूज करता है, अपने फोन से ही खेलता है। तो चाइना ने क्या किया, ऐसा ही कुछ फोन अपने लॉन्च किया, रैम बढ़ा दिया, बहुत सारा रैम बढ़ा दिया, काम होता है ना है रैम बढ़ा दिया, ऐसे बहुत सारे फोन है मैंने देखा है आन ब्रांड जो फोन होते हैं तो ऐसा कुछ कर दिया करके वो लॉन्च कर रहे हैं। कौन से कंट्री में ज्यादा से ज्यादा कैमरा को लेकर हाइप होता है, मोबाइल फोन का कैमरा, हमारे इंडिया ही है। गूगल पे अगर सर्च कीजिएगा तो फिर आपको यही रिजल्ट मिलेगा, इंडिया। तो ऐसा ही कुछ बात है, चाइना को ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है ये सब इन्फॉर्मेशन। तो गाइस ये सब है हमारा जो कुछ डिजिटल एप्स के बगल। मैंने एक वीडियो बनाया है हम सब चाइनीज प्रोडक्ट को क्यों बैन कर सकते हैं, जी हाँ उनको बॉयकॉट कैसे कर सकते हैं। तो गाइस उस वीडियो में मैंने बहुत सारे टॉपिक जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन उसमें बताया था कि जो सब्स्टिट्यूट होता है, जी हाँ अगर 100 रुपये खेलना अगर हमारे इंडिया में बन रहा है तो फिर वो 100 रुपये आपका उसका प्राइस नहीं रहेगा, उसका प्राइस हो जाएगा 200 से 300 रुपये हो जाएगा। तो गाइस हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और चाइना का वो तो सब्स्टिट्यूट है ही है, वहाँ का तो मैन्युफैक्चरिंग हब है, खिलौना का बोल लीजिए, पेंटिंग का बोल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स का हब ही है। टिकटॉक, लाइकी, उसके बाद वी चैट, उसके बाद आता है आपका यूसी टर्बो, ऐसा यूसी ब्राउज़र का पूरा सीरीज ही चाइनीज है। और उसके बाद आता है आपका जो एमआई स्टोर, आप उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते लेकिन अनइंस्टॉल नहीं कर सकते एमआई के फोन यूज करने वाले, लेकिन हाँ उसको डिसेबल जरूर कर सकते हैं। तो मेक श्योर को डिसेबल करके रखिए, करेंगे नहीं करेंगे आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि अगर आप मानिए ना मानिए चाइना आपका जो डेटा है वो सारा सारा चोरी कर रहा है, और आपका जो यूकेम है, यूकेम परफेक्ट, B6, 112, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, कैमरे का बहुत सारे फालतू ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐसे टिकटॉक तो एक नंबर है चाइनीज ऐप। तो गाइस इन सब का बहुत सारा सब्स्टिट्यूट अभी भी निकल कर आया है हमारे इंडिया में, अभी भी टिकटॉक जो है उसका एक सब्स्टिट्यूट निकल कर आ रहा है। तो गाइस इन सब को जरूर यूज कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा न्यूज पे ख्याल रखिए, क्योंकि अपना देश के लिए काम करिए ना, अगर कुछ चीज यूज करना है तो फिर अपने देश के लिए करिए। ऐसे देश के लिए ऐसे देश का प्रोडक्ट क्यों यूज करेंगे जो देश हर दुनिया के हर जगह पे वो वायरस फैल रहा है। तो यही बात है, वीडियो आज शॉर्ट था यही था, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब, वीडियो को सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन तो शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए गुड बाय, पीस आउट।